अभी तक हमने मीन देखा, मीडियन देखा, अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जहाँ पे हम मोड देखेंगे। सबसे इजीएस्ट पोर्शन ये है, मोड है। मोड में क्या है कि आप, मोड मतलब क्या, हाईएस्ट अकरिंग ऑब्जर्वेशन, मतलब आपका जो डेटा है उसमें सबसे ज़्यादा नंबर कौन सा आ रहा है, वो है आपका मोड। ठीक है, मतलब कितनी बार रिपीट हो रहा है, सबसे ज़्यादा रिपीट कितनी बार, क्या कौन सा नंबर हो रहा है, वो है आपका मोड। ओके, अब दूसरी एक बात वो भी है कि मीन, मीडियन और मोड, ओके, मोड, मोड मतलब क्या कि जो भी ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा अकर होता है, मतलब कि जो भी ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है आपके डेटा में, उसको हम क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। मतलब सीधा सीधा अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बोलूँ तो, आपके जो भी डेटा होते हैं अनग्रुप डेटा के लिए, ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा नंबर कौन सा आया है, वो आपका मोड है। फाइन, चलिए, सो लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 3C। एक्सरसाइज 3C, फाइंड द मोड ऑफ, ये जैसे मैंने बोला ये पुरानी टेक्स्ट बुक है, सो यहाँ पे कुछ किया गया है, सो ऑलरेडी आंसर्स है ही आपके पास। यहाँ पे देखने जाओ तो, एक मिनट पहले मैं कलर चेंज कर देती हूँ। 3 सबसे ज़्यादा है तो मोड आपका रहेगा 3, फिर यहाँ पे 11 रहेगा मोड, क्योंकि 11 सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे भी क्या रहेगा, 50 रहेगा स्कोर। अब थर्ड वन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के इज द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 9। ओके, मोड मतलब के की कौन सी वैल्यू होगी तब जाके मोड आपका 9 होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए 3, 5, 6, मतलब ये 3 एक अकर हो रहा है, ये भी 3 अकर हो रहा है, फिर 6 भी अगर देखो तो आप, ये 1 टाइम 2 टाइम अकर हो रहा है, 9 और 9 अकर हो रहा है। ठीक है, तो अगर मुझे 9 चाहिए तो ऑब्वियसली के क्या होना चाहिए, मेरा 9 होना चाहिए। ठीक है, तब जाके मोड होगा मेरा 9। अब क्या बोल रहे हैं कि इफ 3 इज एडेड टू ईच एलिमेंट, अगर मैं 3 ऐड करती हूँ सारे एलिमेंट में, तो 3 + 3 क्या होगा, 6, 5 + 3 8, 6 + 3 9, 3 + 3 अगेन 6, 9 + 3 12, 7 + 3 10, 8 + 3 11, 5 + 3 अगेन 8, देन 9 + 3 इज 12, अगेन के मेरा क्या आया, 9, तो 9 + 3 इज 12, एंड 4 + 3 इज 7। ठीक है, तो मेरा नया मोड क्या होगा, इसके अंदर देखने जाओ तो मेरा नया मोड है ये ही आएगा ना, 12 वाला ही आएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा 12 अकर हो रहा है। ठीक है, नाउ फोर्थ वन इज फॉर द डेटा 1, 5, 7, x+1, 9, x-2, 3, इफ द मीन इज 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड हेंस फाइंड द मोड। मतलब पहले मीन यूज करके एक्स फाइंड करो, एक्स की वैल्यू रखो, डेटा आएगा, और वो डेटा में से फिर मोड फाइंड करो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम फाइंड करना। सो क्वेश्चन नंबर 4, फॉर द डेटा 1, 5, 7, मतलब कि कितने हैं ऑब्जर्वेशंस, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, मीन इज 4। सो व्हाट इज द मीन इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो मीन मेरा क्या है, मीन है मेरा 4, 4 इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सो 1 + 5 + 7 + x+1 + 9 + x-2 + 3 होल अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, 7 है। ठीक है, तो 7 × 4 क्या आया, 28, विच इज इक्वल टू 1 + 5 6, 6 + 7 13, 13 + 1 इज 14,
14 plus 9 is 23, 23 minus 2 is 21, and 21 plus 3 is 24. So 24 plus 2x. So 2x is equal to 28 minus 24. So 2x is equal to what? 4. So x is equal to what? 2. तो x मेरा क्या आया? x is my 2. अब मैं यहाँ पे ये जो डेटा है वहाँ पे मैं रख देती हूँ तो मुझे डेटा मिल जाएगा. सो माई डेटा इज़ 157, 2 plus 1 is 3, 9, देन 2 minus 2 is 0 and 3. ओके, सो यहाँ पे सबसे मेरा मोड क्या आया? मोड इज़ माई 3. ठीक है, चलिए क्वेश्चन 5. द साइज ऑफ 10 शर्ट्स आर एज फॉलोज, फाइंड द मॉडल साइज. मॉडल साइज मतलब मॉडिफाइंग करना है. तो सबसे ज्यादा ये 100 100 दो बार आ रहे हैं. ये देखिए 90 1 2 3 and 4. ठीक है, 95 तो तीन बार आ रहा है. सो मॉडल साइज क्या होगा? 90 सेंटीमीटर. ओके, अब क्या है कि इफ द साइज ऑफ वन शर्ट इज मिसरीड एज 90 इंस्टेड ऑफ 95, मतलब 95 की जगह पे अगर 90 हो जाएगा, फाइंड द करेक्ट मॉडल साइज. तो ऑब्वियसली वो भी करेक्ट मॉडल साइज क्या आ जाएगा? 95 हो जाएगा, क्योंकि ये भी फिर बढ़ जाएगा. ठीक है, मतलब 95 की जगह पे 90 रीड हो गया. सो 90 की जगह पे क्या आ जाएगा? 95 हो जाएगा. सो द करेक्ट मॉडल साइज इज 95 सेंटीमीटर. ओके, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए. थैंक यू.